एम्पलीफायर्स में वायरिंग तो कर लिया आपने, गाना भी चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए आप मोबाइल का वॉल्यूम बटन यूज़ कर रहे हो। लेकिन गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पोटेंशियोमीटर को इस PAM8403 के एम्पलीफायर बोर्ड में ऐड करने बताऊँगा। कैसे कनेक्शन करते हैं, आइए सीखते हैं। गाइज, इसको कनेक्ट करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर से हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर हमें लेना है 10 किलो ओम का, देख सकते हो आप, मैं इस तरफ का लिया हूँ, डुअल चैनल का, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीकर्स हैं, स्टेरियो एम्पलीफायर बोर्ड है, इसीलिए डुअल चैनल का हम लेंगे। अगर आप अलग अलग चैनल का करना चाहते हो तो यही सिंगल सिंगल चैनल का दो पीस आप ले सकते हैं। तो इसका वायरिंग्स करने के लिए आप देखिए, थोड़ा सा इसको मैं समझा दूँ, वैसे मैं बहुत सारे वीडियोज़ में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं समझाता हूँ। ये जो दो पिंस हैं, पहले आप ऐसे समझो कि ये तीनों पिंस और ये तीनों पिंस, जो इस साइड वाले तीनों पिंस है ये अलग चैनल के, ये तीनों पिंस अलग चैनल के। ये पिन पहला वाला इनपुट जाएगा, बीच वाला यहाँ से आउटपुट जाएगा, और तीसरा पिन ग्राउंड हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी इनपुट जाएगा, बीच वाला आउटपुट यहाँ से जाएगा, और तीसरा वाला लास्ट साइड वाला वो ग्राउंड हो जाएगा। तो जो दोनों चैनल का ग्राउंड हो जाएगा, उन दोनों को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ग्राउंड तो हमारा कॉमन होगा। तो मैं इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अब देखिए, इसमें हमें इनपुट देना है, एक इस वाले में एक इस वाले में। तो ये देखिए, ऑक्स केबल से हम इसमें इनपुट देने वाले हैं। तो ऑक्स केबल से इनपुट के लिए मैं एक चैनल का इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। ये लेफ्ट चैनल का या राइट चैनल का, तो ये हो जाएगा लेफ्ट चैनल का। दोनों इनपुट ऑक्स केबल वाला इसमें कुछ इस तरह से सोल्डर हो चुका है। ये देखिए, ऑक्स केबल वाला वायर ही कनेक्ट कर रहा हूँ, आप कन्फ्यूज़न में मत हो जाना। उसके बाद एक वायर बच गया हमारा ऑक्स केबल वाला, वो है ग्राउंड का। तो ग्राउंड वाला हम इसमें ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, ये ग्राउंड में कनेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ से दो वायर्स आउटपुट लेने हैं, एक और दो। तो इन दोनों के लिए भी मैं यहाँ पे दो दूसरा वायर ले करके कनेक्ट कर देता हूँ। एक वायर कनेक्ट हो गया, दूसरा वायर भी इसी में कनेक्ट कर देता हूँ, और तीसरा वायर हमारा ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड भी तो यहाँ से आउटपुट जाएगा। ये अब इन तीनों को हमारा जो लेफ्ट राइट और ग्राउंड का है वो इनपुट हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड में दे देना है। तो देखिए, वाइट वाला वायर मेरा ग्राउंड है, तो इसको सबसे पहले मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अब इन दोनों को लेफ्ट और राइट चैनल वाले को सोल्डर कर दूंगा। तो ये कनेक्ट होने के बाद गाइज, यहाँ पर देखिए, हमारी जो वायरिंग्स है इस वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर का, वो कंप्लीट हो जाता है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसमें म्यूज़िक को चला करके बजा करके देख लेते हैं, और वॉल्यूम को कम ज़्यादा भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पावर सप्लाई देना होगा, तो पावर सप्लाई के वायर को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पावर सप्लाई के लिए फिर से स्विच का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल वीडियो बनाने के लिए यह कनेक्शन कर रहा हूँ वायरिंग, बाकी बाद में मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बाद में जब मन करेगा तो मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये वायरिंग्स इसमें कंप्लीट हो गई, और अब मैं बजा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, देखिए वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ से हो रहा है। तो इसकी वायरिंग्स कुछ इस तरह से ख़त्म होता है, और एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें वायरिंग्स किया, और समझा भी देता हूँ। ये देखिए, जो ऑक्स केबल का लेफ्ट और राइट चैनल है ना, इन दोनों पिंस में हमने इनपुट दिया, ये देखो, एक इस चैनल में दिया, एक इसमें दिया, और जो तीसरा ग्राउंड वाला है वो लास्ट वाले में कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से दो वायर्स आउटपुट लिया, बीच वाले में से एक ये वाला वायर और दूसरा ये। उसके बाद जो तीसरा है वो ग्राउंड,
ग्राउंड यहाँ पे देखिए, इन दोनों को मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हूँ। उसके बाद से जो तीन वायर यहाँ पे आ गए, ग्राउंड वाला बीच वाला था तो बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और ब्लू वाला राइट चैनल का, ये लेफ्ट चैनल का, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसमें इनपुट दे दिया। उसके बाद बैटरी का पावर सप्लाई यहाँ देना था वो दे दिया, स्पीकर्स तो ऑलरेडी कनेक्टेड थे हमारे, और वॉल्यूम की भी कुछ इस तरह से वायरिंग्स खत्म हो गई। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज अगली वीडियो में हम इस मॉड्यूल में, इस एम्पलीफायर मॉड्यूल में हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे।